हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनअकैडमी स्टूडियोज ब्रिज। माय सेल्फ संजय राठी। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज द 555 टाइमर, राइट। तो पार्ट वन में हम समझेंगे कि व्हाट इज 555 टाइमर, इसे 555 टाइमर क्यों बोला जाता है, और ये है 8-pin IC, तो उन 8 pins का क्या क्या फंक्शन है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारी टीम में है आशू जांगड़ा सर, गौरव बाबू सर, रुचिन तेजावत सर, मारुत तिवारी सर एंड अपूर्व मित्तल सर, और ये है फॉर मैकेनिकल ब्रांच, इलेक्ट्रिकल ब्रांच एंड सिविल ब्रांच। इनके वीडियोस भी आप यूट्यूब पर देख सकते हैं और अपनी तैयारी हमारे साथ स्टार्ट कर सकते हैं, राइट। तो ये है 555 टाइमर, ओके। इसके अंदर भी कंपैरेटर का यूज होता है और कंपैरेटर बनाया जाता है बाय यूजिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर नॉर्मली, राइट। तो वो देखेंगे। अभी हमारी सीरीज चल रही है वेव फॉर्म सिंथेसिस। तो वेव फॉर्म सिंथेसिस पे हमने नंबर ऑफ सर्किट्स बनाए, बायस्टेबल, मोनोस्टेबल, अस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर, रिलैक्सेशन ऑसिलेटर, और साथ में हमने क्या बनाया था, अस्टेबल का एप्लीकेशन क्या है, कैसे उसे टाइमिंग डायग्राम निकाला जाता है एंड सो ऑन। तो उसके साथ साथ हमने देखा था सिमिट ट्रिगर सर्किट। तो होप सो आपने वो सब वीडियोस देखे होंगे, राइट। इस वेव फॉर्म सिंथेसिस का बहुत ज्यादा वेटेज है इसरो में, गेट में, ईएसई में, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच, राइट। तो चलिए देखते हैं हम 555 टाइमर, और साथ में जो एसएससी जेई वगैरह की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं वो भी ध्यान दीजिएगा। इस टॉपिक से नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं। अगर आपने ये वीडियो अटेंड किया तो एसएससी जेई और ईएसई प्री के क्वेश्चन तो यूं ही बन जाएंगे आपसे, बिल्कुल कुछ भी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ओके। बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होने वाला है ये टॉपिक, दैट इज द 555 टाइमर। तो ये है 555 टाइमर, दैट इज द 8-pin IC। 8 pins के बारे में हम देखेंगे कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ट्रिगर, और इसे ट्रिगर पिन क्यों बोला जाता है, इसे रीसेट पिन क्यों बोला जाता है, इसे डिस्चार्ज पिन क्यों बोला जाता है, व्हाई इट इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड एंड व्हाई इट इज कॉल्ड कंट्रोल वोल्टेज पिन, राइट। अभी तो ये आपके सामने है, आपको 8 pin यूं ही याद होनी चाहिए, टिप्स पे होनी चाहिए आपसे आपके, ठीक है ना। और आपको पता होना चाहिए किसका क्या फंक्शन है, तभी आप समझ पाओगे कि मोनोस्टेबल अस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर कैसे डिजाइन किया जाता है बाय यूजिंग 555 टाइमर, ओके। दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब आजकल क्वेश्चन फिर से वापस आने लगे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अबाउट मी, राइट, वीडियो में अंत तक बने रहेगा, आज बिल्कुल 555 टाइमर क्रिस्टल क्लियर होने वाला है, राइट। माइसेल्फ संजय राठी, आई एम हैविंग 18 ईयर्स ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स लाइक ESE, गेट, PSU, DRDO, ISRO एंड नंबर ऑफ टेक्निकल एग्जाम्स, राइट। यू कैन फॉलो मी ऑन unacademy.com एट द रेट ऑफ संजय के आर राठी 27 एंड आई हैव क्वालिफाइड इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम 3 times इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन ब्रांच, राइट। अब आप देखिए इन 18 सालों का क्या एक्सपीरियंस है, मैंने देखा है जो स्टूडेंट लगा हुआ है, राइट, बिल्कुल बिना किसी नेगेटिव थॉट के डेफिनेटली सक्सेस उसे मिलती ही है। साथ में हम लोग नंबर ऑफ टिप्स एंड ट्रिक्स देते हैं, हम डायरेक्शन बताते हैं कि किस किताब को कैसे पढ़ना है, किस टॉपिक को कितना डेप्थ में पढ़ना है, क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। लेकिन हजारों स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं फिर सेलेक्ट इतने कम क्यों होते हैं, क्योंकि कुछ ही स्टूडेंट्स होते हैं जो इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं, राइट। अभी देखो आप भी जो वीडियो देख रहे होंगे वो थोड़ा 10 मिनट देखोगे, 5 मिनट देखोगे, कितने लोग हैं जो इस वीडियोस को पूरा देख रहे हैं, राइट। पूरा देखकर पूरे प्रॉपर कॉपी, रफ कॉपी लेकर, पेन लेकर, कैलकुलेटर लेकर आप बार बार रिवाइज कर रहे हैं, बताइए, राइट। ऑनलाइन क्लास में क्या होता है ना, प्रॉपर नोट्स नहीं बनवाए जाते जैसे ऑफलाइन क्लास में बनवा रहे हैं, तो आपको अपने नोट्स खुद बनाना है। इतनी टॉप फैकल्टीज आपको घर बैठे मिल रही है, सब आपको घर बैठे आपकी पढ़ाई हो रही है, नहीं तो इसके लिए आपको मेट्रो जाना पड़ता, दिल्ली, हैदराबाद, बेंगलोर, ओके, तो अपना शहर छोड़ना पड़ता है। देखो जब अपना शहर छोड़ते हो तो कितनी सारी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आती है, कहाँ रहोगे, क्या खाने पीने का होगा, अगर बीमार हो गए तो क्या होगा, इज इट क्लियर, और खर्च जो लगना है वो तो लगना ही है। आप पता कर सकते हैं कि दिल्ली में रहने की जो कॉस्ट है ना वो कोचिंग की फी से कई गुना ज्यादा है। तो ये अफोर्डेबल एजुकेशन है, आपको घर बैठे आपके लैपटॉप पर मिल रही है, आपकी भी लेकिन मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, कॉपी पेन कैलकुलेटर लेकर बैठकर प्रॉपर नोट्स बनाइए,
क्वेश्चन जो दिया जा रहा है उसे पूरा बनाइए, तब जाकर आपको टॉपिक समझ में आएंगे। और यहां बिल्कुल टॉप क्वालिफाइड एक्सपीरियंस फैकल्टी आपको पढ़ा रही है, इसलिए क्वेश्चन तो डाउट का है ही नहीं। आप 35 वीडियो मेरे आ गए ऑलरेडी ऑन एनालॉग, साथ में 30 के आसपास वीडियोज आ चुके हैं ऑन व्हाट नेटवर्क, माइक्रोवेव प्रोसेसर की पूरी क्लास है, इतनी डेमो क्लासेस हैं आपको। अगर मेरी बात समझ में आ रही है इसका मतलब मैं सही पढ़ा रहा हूँ, राइट। बस थोड़ा आप लोग लाइक में कंजूसी कर देते हैं, थोड़ा वीडियो लाइक जरूर कीजिए, वो आपके चेहरे की स्माइल बताता है, ताकि हम और ज्यादा से ज्यादा कंटेंट आपके लिए ला सके, राइट। दूसरी बात, हमें आपसे सर्टिफिकेट तो चाहिए कि ये वीडियोस कैसे बन रहे हैं, लेकिन इतने साल के एक्सपीरियंस हम और भी कॉन्फिडेंस से बोल सकते हैं, क्वेश्चन जो हम पढ़ा रहे हैं वहीं से आते हैं, उन्हीं टॉपिक से आते हैं। बहुत ज्यादा डिटेल में जाते हो, बहुत सारी बेफालतू की चीजें आप पढ़ते हो, उससे आपका एग्जाम नहीं निकलेगा। एग्जाम बहुत नजदीक है, बी केयरफुल, उलझुल चीजों को मत पढ़िए, रिवाइज नहीं कर पाएंगे, राइट। तो मेरी क्लासेस हैं, वार्निंग में आ रही है, आप देख सकते हैं बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड चल रही है क्लासेस, राइट। इवनिंग में अभी कंट्रोल खत्म होने वाला, सॉरी नेटवर्क खत्म होने वाला है, अब हम स्टार्ट करेंगे कंट्रोल सिस्टम। कंट्रोल में भी हम लेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स टाइम रिस्पॉन्स में, राइट, ब्लॉक डायग्राम्स में, सिग्नल फ्लोग्राफ में, वो क्वेश्चन जिसमें आपको दिक्कत होती है, ओके। और साथ में हम लेने वाले नाइक्विस्ट क्राइटेरिया, बॉडी प्लॉट, ओके, राउट हर्विट्स क्राइटेरिया, रूट लोकस टेक्निक्स एंड स्टेट वेरिएबल्स, पूरे कंसेप्ट क्लियर होने वाले हैं। और अगर आप डेप्थ में पढ़ना चाहते हो तो आप अनअकैडमी प्लस सब्सक्राइब कीजिए। 9/19 से स्टार्ट हो रहा है माइक्रोवेव, और 20th से आपका स्टार्ट हो रहा है कंट्रोल सिस्टम। लेकिन ध्यान दीजिएगा, माइक्रोवेव स्टार्ट हो रहा है ईएसई सब्सक्रिप्शन पर और कंट्रोल स्टार्ट हो रहा है गेट सब्सक्रिप्शन पर, राइट। अगर आपको इसरो के लिए माइक्रोवेव करना है तो ध्यान दीजिएगा, आपको लेना है ईएसई सब्सक्रिप्शन, दैट इज इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम। और अगर आप फुल्ली फोकस्ड ऑन गेट तो आप गेट के लिए आप ले सकते हो ऑन गेट सब्सक्रिप्शन, अभी आप 1 month का सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हो। अगर कोई कॉलेज गोइंग स्टूडेंट देख रहा है, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फाइनल ईयर, फास्ट प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, जितना अर्ली स्टार्ट करोगे उतने जल्दी यंगेस्ट ऑफिसर बनोगे, ध्यान रखिएगा। तो आप 1 year या 2 year का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, घर बैठे आपकी तैयारी हो रही है, ठीक है ना। तो चलिए, ये है फैकल्टी मेंबर जो ऑलरेडी अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर हैं, इनके वीडियोस भी आप देख सकते हैं थ्रू स्पेशल क्लासेस, दीज आर द फ्री क्लासेस, मेरी भी क्लासेस देख सकते हो, बहुत सारी क्लासेस अवेलेबल हैं स्पेशल क्लासेस, फ्री क्लासेस में। देखिए, नाउ इट इज द इजिएस्ट वे टू लर्न गेट एंड ईएसई ऑनलाइन, डेफिनेटली। अब आप ये देखिए, आपके घर बैठे बैठे, आपको कई बार ऐसा लगता था ना, मुझे प्रिपरेशन करनी है लेकिन मैं कहां जाऊं, मैं मेट्रो नहीं जा सकता, इतने खर्चा नहीं कर सकता मैं, तो आपके घर में आप बैठकर तैयारी कर सकते हो, अपना काम करते हुए तैयारी कर सकते हो, 24/7 आप अपना शेड्यूल खुद बना सकते हो, राइट। अनलिमिटेड प्रैक्टिसेस हैं, क्विजेज हैं, वीडियोज हैं, पीडीएफ है, डाउनलोड कीजिए, जब आपको टाइम मिलता है तब आप देखिए, अपनी लैंग्वेज चूज कीजिए, हिंदी, इंग्लिश, तेलुगु, तमिल, जो भी आपको सुटेबल लगता है। लेकिन ध्यान रखना, आपको कंसेप्ट क्रिस्टल क्लियर करना, लैंग्वेज मैटर नहीं करती, ठीक है ना। न्यूमेरिकल पेपर होता है, न्यूमेरिकल समझ में आना चाहिए, राइट। तो ये सब है। अब अगर आप इसे लैपटॉप पर देखेंगे तो एडुकेटर दिखाई देते हैं, कंटेंट है, यहां पर आपकी चैटिंग चल रही है, इंटरेक्टिव पोल में पार्टिसिपेट कर रहे हो आप, बहुत सारी फैसिलिटीज है ऑन अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन। एक सब्सक्रिप्शन पर अनलिमिटेड एक्सेस है। अभी माइक्रोवेव की क्लासेस आ रही है, एमएफटी अवेलेबल है, जनरल स्टडीज अवेलेबल है आपको ईएसई सब्सक्रिप्शन पर, राइट। एडवांस कम्युनिकेशन, एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सभी सब्जेक्ट्स आप अटेंड कर सकते हैं ऑन अनअकैडमी प्लस पर। तो सब्सक्राइब कीजिए, तो आपको डेफिनेटली फी स्ट्रक्चर पे थोड़ा सा होगा, तो देखिएगा, सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है फॉर मिनिमम 1 month, दैट विल कॉस्ट 5,000 rupees, और अगर आपने कोड यूज किया राठी लाइव तो ये हो जाता है 4,500 ऑनली, राइट। और अगर आप फिर देखेंगे 3 months के लिए है, 6 months के लिए है, 12 months के लिए है, 24 months के लिए, जो गेट 2021 के लिए फोकस कर रहा है या ESE 2021, राइट, वो आपका 1 साल या 2 साल का सब्सक्रिप्शन ले सकता है। इट इज नॉट फ्री, डेफिनेटली आपका होगा फ्री नहीं है, ये अफोर्डेबल है, राइट। आपके घर बैठे तैयारी हो रही है, ओके। जितने भी YouTube में वीडियोस हैं वो फ्री हैं, साथ में स्पेशल क्लासेस फ्री हैं, ये पेड कोर्स है, इसलिए हमने बताया राठी लाइव कोड यूज कीजिएगा, और आप 12 मंथ्स के लिए फी है ओनली 25,000, 24 मंथ्स के लिए है ओनली 40,000 रुपी, राइट।
आप अगर राठी लाइव कोड यूज करते हैं RATHILIV तो फी में मिलेगा 10% डिस्काउंट और दो साल के लिए फीस हो जाएगी ओनली 36,000 रुपीज। राइट, तो अब आप चूज कीजिए, आप देखिए क्या ये इतनी फी वर्थ है, क्या आपकी जब जॉब लग जाती है तो एक महीने की कितनी पेमेंट आने वाली है। राइट, अगर आप डेफ्थ में तैयारी कर रहे हैं तो आपका सिलेक्शन होना श्योर है। मैंने आज तक नहीं देखा कि कोई तैयारी कर रहा हो और उसका सिलेक्शन नहीं हो रहा है। मेयरली आपको डायरेक्शन की जरूरत है, आपका डेडिकेशन होना चाहिए और हमारा डायरेक्शन अगर अच्छा लग रहा है तो आप हमारे साथ तैयारी अपनी स्टार्ट कर सकते हैं। तो जल्दी कीजिएगा। अगर आप इसे मोबाइल पर देखना चाहते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंस्टॉल कीजिए अनअकैडमी लर्निंग ऐप, उसके बाद आप या तो गेट सब्सक्रिप्शन लीजिए या फिर ESE। गेट मतलब प्योरली आप फोकस दो कि मुझे एमटेक करना है या PSU में सेलेक्ट होना है। राइट, और अदरवाइज आपको लगता है कि मुझे ESE भी देना है, गेट भी देना है, जनरल स्टडीज का भी कंसेप्ट आना चाहिए, साथ में आपको लगता है SSC JEE वगैरह सभी एग्जाम्स देने, ऑल द टेक्निकल एग्जाम्स ISRO DRDO एंड सो ऑन, तो डेफिनेटली आपको सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए ESE। ये पूरा पैकेज है, राइट, ये पूरा पैकेज है, इसके अंदर सब कुछ कवर हो जाता है, गेट भी है, राइट, GS भी है, एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स भी आ जाएंगे, SSC JEE की भी तैयारी हो जाएगी एंड सो ऑन, कंप्लीट पैकेज फॉर ESE सब्सक्रिप्शन। मेरी क्लासेस दोनों में अवेलेबल है, गेट में भी अवेलेबल है और ESE में भी अवेलेबल है, तो आप चूज कर सकते हैं। नाउ इट्स अगेन मोबाइल के लिए भी 1 month, 2 month, 3 month, 6 month, 12 month and what 24 months, फी स्ट्रक्चर इज सेम। पेड कोर्स है तो आपको ध्यान रखना है, कोड यूज करना है RATHILIVE। राइट, स्पेलिंग मिस्टेक मत कीजिएगा, कुछ कुछ इश्यू आ जाते हैं कि नया एडमिशन ले रहे हैं काफी लोग, कभी कभार क्या होता है कोड गलत होता है, अदरवाइज उनके इश्यूज रिजॉल्व हो जाएंगे, लेकिन आप कोड याद रखिएगा और कोड जरूर यूज कीजिए। ओके, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑलरेडी एडमिशन ले चुके हैं। नाउ तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज द 555 टाइमर। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं इट इज अ 8-pin IC 1 2 3 4 5 6 7 8। क्यों इसे बोला जाता है ग्राउंड, पिन नंबर 1 इज कॉल्ड ग्राउंड, पिन नंबर 2 इज कॉल्ड ट्रिगर, पिन नंबर 3 इज कॉल्ड आउटपुट, 4th इज कॉल्ड रीसेट, 5th इज कॉल्ड कंट्रोल वोल्टेज, 6th इज थ्रेशोल्ड, 7th इज डिस्चार्ज एंड 8th इज व्हाट VCC। कई बार ऑब्जेक्टिव में आपका क्वेश्चन भी आता है कि पिन नंबर 2 एंड पिन नंबर 6 का नाम क्या है, ट्रिगर एंड व्हाट थ्रेशोल्ड, दिस इज 2 इज द ट्रिगर, 6 इज द थ्रेशोल्ड और 5th नंबर पिन इज कॉल्ड कंट्रोल वोल्टेज पिन। इन सब क्वेश्चंस को हम लोग समझेंगे। राइट, पहले हम देखते हैं व्हाट इज द इंटरनल डायग्राम ऑफ 555 टाइमर और उसके बाद हम देखते हैं वन ऑफ द मोड ऑफ द ऑपरेशन, दैट इज द मोनो स्टेबल मोड। राइट, 555 टाइमर इन मोनो स्टेबल मोड, तो हमें सभी पिन्स याद हो जाने वाली है, चलिए बने रहिए हमारे साथ। अब देखें अगर आप इसे इंटरनल डायग्राम देख रहे हैं, बिल्कुल न्यूमेरिकल बेस्ड है, अगर एक बार आपको इंटरनल डायग्राम समझ में आ गया आपसे कोई भी क्वेश्चन नहीं बचेगा 555 टाइमर का, ध्यान दीजिएगा। इसके अंदर सबसे पहला लगा रहता है एक पोटेंशियल डिवाइडर, ये आर आर आर, तीन आर रजिस्टर है, ये VCC है और यहां राइट एक कंपैरेटर लगा हुआ है और दूसरा कंपैरेटर यहां लगा हुआ है। राइट, कंपैरेटर का आउटपुट फ्लिप फ्लॉप से जुड़ा हुआ है, यह है फ्लिप फ्लॉप RS, दिस इज द क्यू बार, हम इसे ले रहे हैं एज अ आउटपुट, क्यू बार एज अ आउटपुट, ठीक है। उसके बाद यह है पोटेंशियल डिवाइडर, तो आर 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 लगा हुआ है, तो ध्यान देना यहां पर वोल्टेज कितना आएगा, वोल्टेज कितना आएगा VCC/3, ये इसको हमने जोड़ दिया यहां से, इसका पॉजिटिव टर्मिनल फिक्स कर दिया है एट VCC/3 और इसका हमने नेगेटिव टर्मिनल फिक्स कर दिया है एट 2 VCC/3 पर, यह वोल्टेज डिवाइड रूल। अब इसका पॉजिटिव टर्मिनल फ्री है और इसका नेगेटिव टर्मिनल फ्री रखा हुआ है। राइट, अब पॉइंट ध्यान दीजिएगा, ये पॉइंट है, ओके। अब क्या करने वाले हैं हमको समझना है, तो मैंने बताया पोटेंशियल डिवाइडर का काम क्या है, वोल्टेज को डिवाइड करना, तो चलिए मैं इसे अंदर की तरफ लिख लेता हूं, ये वाला पॉइंट है 2 VCC/3, ये पॉइंट है VCC/3।
अब इसका जो पॉजिटिव टर्मिनल है ये बाहर अवेलेबल है, ये जंपर लगा हुआ है, ये कनेक्टेड नहीं है, और इसका नेगेटिव टर्मिनल ये राइट, और साथ में ये जो पिन है ये भी बाहर अवेलेबल है, कनेक्टेड भी है और बाहर भी अवेलेबल है यहां। अब ये दो कंपैरेटर हो गए, इज इट क्लियर, और यहां एक ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, यहां से कनेक्टेड है, यहां लिखा हुआ है वी आर, और ये है राइट, और ये है पी एन पी ट्रांजिस्टर जो इसके रीसेट पिन से कनेक्टेड है, यहां पर है रीसेट पिन राइट, लेकिन इसे दे दिया गया है फोर नंबर। ये आपके फ्लिप फ्लॉप में एक पिन होती है दैट इज कॉल्ड रीसेट और एक होती है प्रीसेट, तो ये कनेक्टेड है रीसेट पिन से, दिस इज एस आर फ्लिप फ्लॉप राइट। तो ये हो गया इसका इंटरनल डायग्राम, दिस इज द कंपैरेटर वन, दिस इज द कंपैरेटर टू। अब पॉइंट देखिए, तो हमारा पिन नंबर कैसा है मैं इसे जरा बता दूं, पिन नंबर आप देख सकते हैं, पिन नंबर वन ग्राउंड है, पिन नंबर टू ट्रिगर है, पिन नंबर थ्री आउटपुट है। अब आप डायरेक्ट आउटपुट लें उसकी बजाय हम चाहें तो यहां एक बफर लगा सकते हैं राइट, ये बफर लगा हुआ है। व्हाट इज द रोल ऑफ बफर, ये आपको बचाता है लोडिंग इफेक्ट से राइट। तो ये हो गया पिन नंबर टू, पिन नंबर थ्री, नाउ वन टू थ्री फोर नंबर यहां लिखा हुआ है दैट इज कॉल्ड रीसेट राइट, इसे बोला जाता है आउटपुट, ये है रीसेट, ये भी एक क्वेश्चन आएगा। फाइव नंबर पिन इज द कंट्रोल वोल्टेज, सिक्स नंबर पिन इज द थ्रेशोल्ड, ये रहा थ्रेशोल्ड पिन, सेवन नंबर पिन, सेवन नंबर पिन के लिए एक यहां से डायग्राम आया हुआ है, ध्यान दीजिएगा, क्यू के थ्रू एक रजिस्टर लगा हुआ है आर डैश, यस, यहां आकर एक ट्रांजिस्टर जुड़ा हुआ है ये, और ये है पिन नंबर सेवन राइट, और पिन नंबर एट इज द सप्लाई, पिन नंबर एट इज व्हाट सप्लाई। तो ये हो गई टोटल ट्रिपल फाइव टाइमर राइट, इट इज अ एट पिन आईसी, व्हाट इज दिस एट पिन आईसी। तो यहां मैंने डायग्राम बनाया आपको इंटरनल डायग्राम, और ये मैंने आपको समझाने की कोशिश की, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम, यहां ये है एट पिन आईसी, आप इसे भी देख सकते हैं, ग्राउंड ट्रिगर आउटपुट रीसेट ऐसा सिस्टमेटिक जमा हुआ है, कंट्रोल वोल्टेज थ्रेशोल्ड डिस्चार्ज एंड वीसीसी। तो फिर ये क्या है, दिस इज द इंटरनल डायग्राम ऑफ ट्रिपल फाइव टाइमर, इंटरनल डायग्राम। अब कई लोगों का कहना रहता है कि सर सीधा क्वेश्चंस पे अटैक करो, अरे क्वेश्चन कई बार इतना घुमाता है, तो सुपरफिशियल क्वेश्चन है ना वो तो ऐसे ही बना लोगे आप, थोड़ा अगर आपको टॉक करना है तो अंदर डेप्थ में जाए बिना क्वेश्चन क्या बोलना चाहता है आज तक समझ नहीं आएगा। देखिए भाई पूरे एक्सपीरियंस से बोल रहा हूं, इतने साल हो गए मुझे पढ़ाते हुए, तो मैं बिल्कुल बता रहा हूं, जब तक आपको इंटरनल डायग्राम क्लियर नहीं होते आप बता नहीं सकते कि क्या है। तो देखिए पिन नंबर वन तो समझ में आता है ग्राउंड है क्योंकि ग्राउंड से कनेक्टेड है, एट समझ में आता है क्योंकि सप्लाई से कनेक्टेड है राइट। अब पिन नंबर आउट थ्री समझ में आता है क्योंकि हम यहां से आउटपुट ले रहे हैं, लेकिन पिन नंबर टू ट्रिगर क्यों बोलते हैं भाई, ट्रिगर क्या काम है ट्रिगर का, पिन नंबर फोर रीसेट, रीसेट क्या रीसेट, रीसेट से क्या करना है आपको, और ये क्यों ट्रांजिस्टर लगा दिया गया है भाई, यहां पर क्या जरूरत है ट्रांजिस्टर लगाने की राइट। पांच कंट्रोल वोल्टेज क्यों बोला जाता है, सिक्स थ्रेशोल्ड क्यों बोला जाता है, सेवन डिस्चार्ज का क्या मतलब है, और एट तो मालूम है सप्लाई है। तो चार पांच पिन हमें कंफ्यूज कर रही है, तीन तो क्लियर हो रहा है लेकिन पांच, तो चलिए हम समझते हैं ट्रिपल फाइव टाइमर इन मोनो स्टेबल मोड। विद इन 10 मिनट्स आपको पूरी पिन याद होने वाली है, तो वीडियो में बने रहिए, और अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करना ना भूलिए, ठीक है ना। तो चलिए लेट्स क्रैक इट, आज इसकी पूरी कहानी खत्म करते हैं, लेट्स क्रैक इट। ओके तो ये है ट्रिपल फाइव टाइमर इंटरनल डायग्राम। नाउ ट्रिपल फाइव टाइमर इन मोनो स्टेबल मोड, इन मोनो स्टेबल मोड, इससे आपको पूरे पिन नंबर याद हो जाएंगे कैसे क्या करना है। तो सबसे पहले देखिएगा ये इंटरनल डायग्राम बना लीजिए, आर आर आर
यस, माइनस टर्मिनल, ये कंट्रोल वोल्टेज, दूसरा कंपैरेटर, राइट, इसका पॉजिटिव टर्मिनल बाहर अवेलेबल, नेगेटिव बाहर अवेलेबल, पॉजिटिव इज कनेक्टेड टू वीसीसी बाय 3, यस, पॉजिटिव वीसीसी बाय 3, नेगेटिव 2 बाहर अवेलेबल है, दोनों कंपैरेटर के आउटपुट। देखो मैंने दो बार ड्रॉ किया, चाहता तो मैं इसे डायग्राम को डायरेक्ट बना सकता हूं, आप भी समझिए जितनी बार आप इसे बनाएंगे आपको डायग्राम याद हो जाएगा और आपको बात समझ में आने लगेगी, कोई शॉर्टकट नहीं होता है। ये ओके, दिस इज द वी आर, और ये ले रहे हैं आउटपुट, एक बफर लगा हुआ है, राइट, ध्यान दीजिएगा ये क्यू बार है और यहां से आर डैश ट्रांजिस्टर। अब मैंने ये क्यों डायग्राम बनाया, मैं आपको समझा देता हूं। पिन नंबर 7, ये तो हो गया इंटरनल डायग्राम। अब पॉइंट देखिए, जो मैं बाहर से लगाने वाला हूं ना, वो आपको समझना है कि मैं क्या क्या लगा रहा हूं बाहर से, राइट। तो ये लगी हुई है सप्लाई वीसीसी, यहां से मैंने बाहर लिया इसे आर, इसे कर दिया सी। तो एक आरसी सर्किट बन गया, ये पूरा एक आर और दिस इज व्हाट सी, राइट। ये आरसी एक सर्किट बन गया है, यहां से करंट जाएगा और व्हाट इज द चार्जिंग टाइम कांस्टेंट, आरसी। अब देखो ये आर और इस आर में कंफ्यूज ना हो जाओ, तो मैं क्या कर रहा हूं, इस आर को आपकी वैल्यू को मैं कर देता हूं लेट, चलिए आर डैश आर डैश आर डैश आर डैश, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको मैं कर देता हूं आर डबल डैश, मतलब तीनों आर आर डैश आर डैश आर डैश इक्वल है, यहां आर डबल डैश है। स्टार्टिंग में क्या हुआ, जब 555 टाइमर बनाया गया ना, तो यहां पर इसका काम था, इन तीन आर का काम था वोल्टेज डिवाइड करना, तो स्टार्टिंग में इसे यूज किया गया 5 किलो ओम के तीन रजिस्टर, राइट, इसीलिए इसका नाम पड़ गया 555 टाइमर। अब लेकिन आप 1 किलो ओम का यूज करो तो भी वही काम करेगा, 1 मेगा ओम का यूज करो तो भी वही काम करेगा, इसका मतलब 555 टाइमर नाम पड़ गया है, बहुत ज्यादा मॉडिफिकेशन हो चुका है, ठीक है। मॉडिफिकेशन के बाद अब नाम कोई मायने नहीं रखता, लेकिन उसका नाम है, जैसे कि मॉस्फेट, मॉस्फेट व्हाट इज द मॉस्फेट, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। तो पहले वहां मेटल लगता था, फिर ऑक्साइड, अब सेमीकंडक्टर, अब मेटल लगता ही नहीं, वहां तो लगता है पॉलीक्रिस्टलिन सिलिकॉन। अब पॉलीक्रिस्टलिन सिलिकॉन लगने के बावजूद भी अभी भी उसका नाम क्या है, मॉस्फेट है। तो वैसा ही है 555 टाइमर, शुरू में 5 किलो ओम के तीन रजिस्टर यूज किए गए थे पोटेंशियल डिवाइड करने के लिए। अब आप जिस वैल्यू का करना है, 5 मेगा ओम यूज कर लो, 6 मेगा ओम यूज कर लो, 1 मेगा ओम यूज कर लो, इट डजंट मैटर, लेकिन इक्वल होने चाहिए। तो यहां भी वही हाल है, ये तीनों इक्वल है, ये अलग है, तो आर डबल डैश कर दिया गया, ये आर यहां आ गया, कंफ्यूजन ना हो। अब पॉइंट आपको समझना है कौन कहां से कनेक्टेड है, तो देखिए पिन नंबर 7 यहां से कनेक्टेड है और ध्यान दीजिएगा आर के बाद ये पॉइंट है 6, राइट, और ये पॉइंट है आपका कंट्रोल वोल्टेज, यहां आपने एक कैपेसिटर लगा के ग्राउंड कर दिया, इसकी वैल्यू है 0.01 माइक्रोफेराड, वेरी स्मॉल वैल्यू यहां, राइट। और पिन नंबर 6 इज कनेक्टेड टू व्हाट, वोल्टेज ऑफ कैपेसिटर, मतलब यहां भी वीसी है आपका, वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर वीसी, ये भी कनेक्टेड है। और पिन नंबर 2 में हम लगाने वाले हैं ट्रिगर, यहां लगाया जाता है ट्रिगर, राइट, एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ट्रिगर पिन। पिन नंबर 4 को नॉर्मली ओपन नहीं छोड़ा जाता है, इट इज कनेक्टेड टू व्हाट, वीसीसी, इट इज कनेक्टेड टू वीसीसी, यहां से लाके अलग से सप्लाई देने की जरूरत नहीं, इट इज कनेक्टेड टू वीसीसी। यहां आप आउटपुट ले रहे हैं, आउटपुट इज नथिंग बट ध्यान दीजिएगा क्यू बार है, क्योंकि क्यू बार आउटपुट, अगर आपको क्यू चाहिए तो आप यहां इन्वर्टर लगा दीजिए तो वो क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। ट्रांजिस्टर से क्या कनेक्टेड है, ध्यान दीजिएगा क्यू बार कनेक्टेड है, राइट। अब क्यों क्या क्या नाम पड़ा है वो समझते हैं हम लोग, चलिए फटाफट समझ लेते हैं। पहला, अगर आप देखते हैं तो जब भी आप कोई काम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले आप क्या ढूंढते हैं, रीसेट पिन, रीसेट। तो ऑलरेडी 555 टाइमर के अंदर रीसेट होता है, अगर उसे आप रीसेट प्रेस कर देंगे तो क्यू जीरो हो जाएगा, क्यू बार वन हो जाएगा। रीसेट का मतलब है क्यू जीरो, तो उसका अपोजिट क्यू बार वन होगा, जैसे ही क्यू बार वन होगा
ये ट्रांजिस्टर ऑन हो जाता है। देख लो एनपीएन ट्रांजिस्टर है, जैसे आप हाई सप्लाई दोगे, वन का मतलब हाई सप्लाई, ट्रांजिस्टर ऑन हो जाएगा, मतलब ट्रांजिस्टर सेचुरेशन में चला जाएगा। जैसे ट्रांजिस्टर सेचुरेशन में जाएगा इट विल एक्ट एज शॉर्ट सर्किट, और जैसे ये शॉर्ट सर्किट हुआ ये पूरा कैपेसिटर इस पिन नंबर 7 के और ट्रांजिस्टर के थ्रू क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा। क्या हो रहा है, डिस्चार्ज, जितना भी चार्ज हो इसके थ्रू चला गया, एंड दैट्स व्हाई पिन 7 इज कॉल्ड डिस्चार्ज पिन, राइट। एंड दिस ट्रांजिस्टर, इंटरनल ट्रांजिस्टर इज कॉल्ड डिस्चार्ज ट्रांजिस्टर Q1, ओके। तो ये इसका नाम है डिस्चार्ज ट्रांजिस्टर। तो पहली बात समझ में आ गई, पिन नंबर 7 इज कॉल्ड डिस्चार्ज पिन। नाउ अब लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अगर ये रीसेट पिन आपने डायरेक्ट प्रोवाइड कर दी तो फॉल्स रीसेट हो सकता है, राइट। उस फॉल्स रीसेट को बचाने के लिए एक बफर लगा दिया गया है, ये पीएनपी ट्रांजिस्टर है। देख रहे हो यहां पे वीआर लिखा हुआ है, रीसेट वोल्टेज है। ये यहां तब पहुंचेगा जब ये ट्रांजिस्टर ऑन होगा। कौन सा ट्रांजिस्टर है, पीएनपी, ध्यान दीजिएगा पीएनपी ट्रांजिस्टर। सब इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बता रहा हूं, मैं ये है पीएनपी ट्रांजिस्टर, यहां से जुड़ा हुआ है, सॉरी नीचे ये पीएनपी, यहां लगा हुआ है वीआर। ये वीआर जब इस फ्लिप फ्लॉप के अंदर पहुंचेगा तो ही ये रीसेट होगा, लेकिन उसे अंदर पहुंचाने के लिए इसका ऑन होना जरूरी है ताकि पीएनपी ट्रांजिस्टर शॉर्ट हो सके। और पीएनपी ट्रांजिस्टर को ऑन करने के लिए यहां पर क्या चाहिए, नेगेटिव वोल्टेज -0.7 चाहिए, -0.7 वोल्ट चाहिए। अब अगर मैं इसमें वीसीसी नहीं लगाता, मान लीजिए मैं इसे हटा देता हूं, इसकी जरूरत नहीं है, आप बोलोगे कि चलिए सर इसको हटाओ आप, राइट, चलिए कोई बात नहीं। अब आप मान लीजिए इसे ओपन छोड़ दीजिए, तो कोई भी अगर नॉइज आया और इसने धोखे से भी इसको नीचे कर दिया बाय व्हाट, ओनली 0.7 वोल्ट, तो ये ऑन हो जाएगा, राइट। जैसे आपने नीचे किया, फ्लक्चुएशन आते रहता है, वोल्टेज फ्लक्चुएशन, जैसे ही नीचे होगा वीआर नीचे आ जाएगा, वीआर यहां पर पहुंचेगा फ्लिप फ्लॉप में, तो ये रीसेट होगा, रीसेट होते ही ट्रांजिस्टर ऑन होगा, ट्रांजिस्टर ऑन होते ही कैपेसिटर डिस्चार्ज हो जाएगा। जब आप चाहते हो तब तो ठीक है, लेकिन जब आप नहीं चाहते और बार बार ऐसा डिस्चार्ज हो जाएगा तो प्रोसेस कैसे करोगे, राइट। तो फॉल्स रीसेट नहीं होना चाहिए, तो हमें इसकी नॉइस मार्जिन बढ़ानी पड़ेगी। इसीलिए जब भी ये यूज में नहीं होता ना तो इसको वीसीसी से कनेक्ट कर देते हैं। ये कनेक्ट हो गया वीसीसी से, अब वीसीसी से कनेक्ट हो गया तो मान लीजिए वीसीसी हम लोग जो यूज करते हैं वो होता है 5 वोल्ट। अब यहां आपने लगा दिया 5 वोल्ट, राइट। अब 5 वोल्ट से नीचे लाना है कहां तक, -0.7, तो व्हाट इज द नॉइस मार्जिन, 5.7 वोल्ट। तो भाई इतना थोड़ी नॉइस फ्लक्चुएशन आएगा, जीरो रखते तो जीरो से -0.7 हो सकता था वोल्टेज फ्लक्चुएशन के कारण, लेकिन 5 का -0.7 होना मतलब 5.7 से ड्रॉप करना डिफिकल्ट है। तो ये अब इसको परमानेंटली ऑफ रखेगा ताकि ये नॉइस ना सके, रीसेट ना हो सके, फॉल्स रीसेट ना हो सके, इसीलिए ट्रांजिस्टर का यूज किया गया है, राइट। अब देखो यहां पीएनपी का यूज किया गया, यहां एनपीएन का यूज किया गया। अब भाई दोनों ट्रांजिस्टर अगर आप एनपीएन का लाते तो हो सकता था कुछ डिस्काउंट मिल जाता, बोलते ना एक के साथ एक फ्री, राइट। लेकिन आपने तो एक मांग लिया पीएनपी, एक मांग लिया एनपीएन, तो डिस्काउंट तो गया ही गया, ठीक। कहने का मतलब है बताइए, यहां अगर आपने एनपीएन यूज किया तो वहां भी एनपीएन ही यूज कर लेते, व्हाई इट इज पीएनपी, इज इट क्लियर। तो ध्यान देना जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ट्रांजिस्टर ना बहुत ही सस्ता होता है, बहुत ही चीप, राइट, आराम से मिल जाता है, बैटरी महंगी होती है। अब अगर तुम एनपीएन लाते तो यहां भी एनपीएन वहां भी एनपीएन, अगर मुझे यहां एनपीएन ट्रांजिस्टर यूज करते तो इसकी नॉइस मार्जिन बढ़ाने के लिए मुझे इसे ऑफ रखना पड़ता, और ऑफ रखने के लिए मुझे यहां माइनस वीसीसी लगाना पड़ता, क्योंकि एनपीएन ट्रांजिस्टर नेगेटिव वैल्यू के लिए ऑफ होता है, पॉजिटिव में ऑन हो जाता है, राइट। तो अगर आपके पास कौन सी बैटरी ऑलरेडी अवेलेबल है वीसीसी, तो आप एनपीएन लाके आपको एक और बैटरी खरीदना पड़ता जिसकी पोलैरिटी नेगेटिव होनी चाहिए, माइनस वीसीसी, तो 2 बैटरी लगानी पड़ जाती। उसे अवॉइड करने के लिए क्या यूज किया गया है, पीएनपी ट्रांजिस्टर, ताकि एक ही बैटरी से काम चल सके। आपके मोबाइल में कितनी बैटरी है, 2, 4, 6, 8 के एक, ऐसा आपको बनाना होता है कि पूरा सिस्टम एक बैटरी से रन हो सके, ओके। उसी में हम लोग पढ़ते हैं करंट मिरर सर्किट, दैट इज वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन एनालॉग। एनालॉग रटने की चीज नहीं है, एनालॉग समझने की चीज है, जीने की चीज है, ठीक है ना। VLSI का वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है ये, अगर आप रटोगे तो आगे नहीं बढ़ पाओगे। हर चीज का एक्सप्लेनेशन है, कौन कहां लगा, रजिस्टर इतनी वैल्यू का लग रहा है तो क्यों लग रहा है, एंड सो ऑन। चलिए ये ट्रांजिस्टर का उपयोग समझ में आया होगा, राइट। यहां और नाउ दिस फोर्थ पिन इज कॉल्ड व्हाट, रीसेट पिन। अब उसके बाद ये हो गया ट्रांजिस्टर का काम, और नाउ वीसीसी इज व्हाट, 6th नंबर पिन,
और ये है Q1। अब देखते हैं आगे कैसे। तो जैसे ही आपने इसको रीसेट किया, मतलब नेगेटिव ट्रिगर दिया, ये VR यहां पहुंचा, ट्रांजिस्टर ऑन हुआ, इसने रीसेट किया, Q0 हो गया, Q bar 1 हुआ, Q bar 1 होते ही ये ट्रांजिस्टर ऑन हो गया, और ये ट्रांजिस्टर ऑन होते ही इसने कैपेसिटर को क्या किया, इसके थ्रू डिस्चार्ज कर दिया, राइट। तो ये है इस सर्किट का फंक्शन। अब वेवफॉर्म कैसे काम करती है, तो वेवफॉर्म कैसे काम कर रही है हम वो देखेंगे। तो हमारा काम है, देखिएगा, जैसे ही आपने रीसेट पिन लगाया तो यहां पर देखिएगा एक ट्रिगर पिन होती है, ये है ट्रिगर पिन। ये ट्रिगर हम लगाते हैं इस 2 नंबर पिन पे, और जैसे ही आपने ट्रिगर लगाया, पहली बात आप फंक्शन समझिएगा, जब मैंने इसे रीसेट प्रेस कर दिया तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Q bar 1, तो आउटपुट भी क्या हो गया 1, और ट्रांजिस्टर क्या हो गया ऑन, और ट्रांजिस्टर ऑन है तो ये कैपेसिटर पूरा इसके थ्रू डिस्चार्ज हो चुका है, और ऊपर से जितना भी करंट आएगा वो भी किसके थ्रू जा रहा है, थ्रू ट्रांजिस्टर जा रहा है, राइट, थ्रू ट्रांजिस्टर जा रहा है, इसीलिए कैपेसिटर क्या नहीं हो सकता, चार्ज नहीं हो सकता। अगर आपके कैपेसिटर को चार्ज करवाना है तो इस ट्रांजिस्टर को ऑफ करना पड़ेगा, और इस ट्रांजिस्टर को ऑफ कैसे करोगे, यहां ट्रिगर दीजिए, इतना ट्रिगर दीजिए कि ये वोल्टेज VCC/3 से नीचे हो जाए। जैसे ही VCC/3 से नीचे हुआ तो यहां का आउटपुट देख रहे हो, नेगेटिव टर्मिनल इज लेस देन पॉजिटिव 1 होगा, और जैसे ही 1 हुआ S1 होगा, S1 होगा तो Q1 हो जाएगा, Q bar 0 हो जाएगा, Q bar 0 होते ही आपका ट्रांजिस्टर ऑफ हो जाएगा, और ट्रांजिस्टर ऑफ होते ही कैपेसिटर क्या होने लगेगा, चार्ज होने लग जाएगा, समझ में आई बात। तो आउटपुट इज नथिंग बट Q bar, तो ट्रिगर लगाने से पहले आपका आउटपुट क्या था, आउटपुट था Q bar, और Q bar कितना था, 1 था। जैसे ही आपने ट्रिगर लगाया, ये नीचे आ गया, 1 से क्या हो गया, 0 हो गया, राइट। जैसे ही आपने ट्रिगर लगाया 1 से 0 हो गया, और साथ में व्हाट इज द वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर, वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर भी 0 था, राइट। और जैसे ही आपने ट्रिगर लगाया तो क्या हुआ, देखिएगा यहां ये कैपेसिटर चार्ज होने लगा, क्यों, क्योंकि यहां S1 था, R0 था, तो Q1 हो गया, Q bar 0 हो गया, राइट। अब उसके बाद धीरे 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 RC टाइम कांस्टेंट के साथ कैपेसिटर क्या होता जाएगा, चार्ज होता चला जाएगा, राइट। और चार्ज होते 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 जैसे ही ये पहुंचेगा VCC/3 तक, ध्यान दीजिएगा कहां पहुंचेगा ये, VCC/3, ठीक। तो फंक्शन बिल्कुल प्रॉपर समझना, जैसे ही आपने ट्रिगर दिया, ट्रिगर देते ही ये वाला पॉइंट VCC/3 से नीचे गया, VCC/3 से नीचे जाते ही नेगेटिव टर्मिनल पॉजिटिव से कम हो गया, यहां 1 आ गया, 1 आते ही फ्लिप फ्लॉप सेट हुआ, Q0 से 1 हो गया और Q bar 1 से 0, आउटपुट भी 0 हो गया, Q bar के 0 होते ही ट्रांजिस्टर ऑफ, कैपेसिटर RC टाइम कांस्टेंट से क्या होने लगा, चार्ज होने लगा, और उस समय आउटपुट किस पर मेंटेन्ड है, 0 पर, राइट। तो 1 से 0 जाने के लिए आपने क्या दिया है, ट्रिगर। अब देखो क्या हो रहा है, धीरे 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 कैपेसिटर चार्ज होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा, टुवर्ड्स किधर चार्ज हो रहा है, VCC, और जैसे ही यहां का वोल्टेज पहुंचेगा VCC/3, देख रहे हो आप, इसका पॉजिटिव टर्मिनल, इसका नेगेटिव टर्मिनल का जो है वो किससे कनेक्टेड है, 2 VCC/3 से, 2 VCC/3 से। तो कैपेसिटर जैसे ही चार्ज होते 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 2 VCC/3 तक पहुंचेगा, इसका, इस कंपैरेटर का पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव से ज्यादा हो जाएगा, और जैसे ही पॉजिटिव नेगेटिव से ज्यादा हुआ, R1 होगा, और R1 होगा तो क्या होता है, फ्लिप फ्लॉप रीसेट हो जाएगा, फ्लिप फ्लॉप के रीसेट होते ही Q0 होता है, Q bar 1 होगा, और Q bar 1 होते ही ट्रांजिस्टर ऑन हो जाएगा, और ट्रांजिस्टर ऑन होते ही कैपेसिटर क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा। इज इट क्लियर, क्या हुआ, Q bar जो जीरो हो चुका था, ऑटोमेटिकली क्या हो गया, 1। क्या आपने इसके लिए ट्रिगर लगाया कि इसको कैपेसिटर की चार्जिंग ने ऑटोमेटिकली कर दिया, कैपेसिटर की चार्जिंग ने ऑटोमेटिकली कर दिया। तो ये है कहानी, जैसे ही आपने ट्रिगर लगाया ये नीचे गया, कैपेसिटर चार्ज होने लगा, होने लगा, होने लगा, और कहां तक चार्ज होगा, 2 VCC/3 तक, जा किधर रहा था, टूवर्ड्स व्हाट, VCC, और जैसे ही 2 VCC/3 तक चार्ज हुआ, ये Q
क्यू बार वापस ऊपर चला गया क्योंकि इस पॉइंट पर आर की वैल्यू क्या हो गई, वन, एस क्या था, जीरो। और जैसे ही आर वन हुआ क्यू जीरो हो गया, क्यू बार क्या हो गया, वन हो गया। क्यू बार के वन होते ही ट्रांजिस्टर ऑन हुआ, ट्रांजिस्टर के ऑन होते ही कैपेसिटर सडनली क्या हो गया, डिस्चार्ज हो गया। बस मुझे ये समझना, ये मुझे क्या मिल गई, देखो एक विड्थ टीपी, वन से जीरो जाने के लिए आपने क्या लगाया, एक ट्रिगर लगाया, लेकिन जीरो से वन जाने के लिए नो ट्रिगर। अब जब तक ट्रिगर नहीं लगाओगे इसमें कोई चेंज नहीं होने वाला। कौन सा सर्किट है, मोनो स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर, दिस इज नथिंग बट मोनो स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर, तो ये है राइट। अब यहां अब मैं जस्ट पिन नंबर आपको बता दूं, फिर उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा इसका टाइमिंग वगैरह क्या होता है, नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिएगा आप। तो देखिए पिन नंबर वन, व्हाट इज द पिन नंबर वन, ग्राउंड। ओके, पिन नंबर वन हमने देखा था क्या लगा हुआ है, एक ग्राउंड लगा हुआ है, यहां कनेक्शन हम दे देते हैं, यस, पिन नंबर वन ग्राउंड। पिन नंबर टू देखो अभी हमने ट्रिगर लगाया, पिन नंबर थ्री आउटपुट ले रहे हैं, पिन नंबर फोर इज कॉल्ड व्हाट, रीसेट पिन, पिन नंबर सिक्स इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड। थ्रेशोल्ड का मतलब है जैसे ही वीसी एक थ्रेशोल्ड लेवल तक पहुंचेगा, वो थ्रेशोल्ड लेवल क्या है, 2VCC/3, ऑटोमेटिकली आउटपुट में क्या आ जाएगा, चेंज आ जाएगा, दैट्स व्हाट इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड। पिन नंबर सेवन इज कॉल्ड डिस्चार्ज पिन, और पिन नंबर एट इज कॉल्ड सप्लाई। अब बच गया क्या, पिन नंबर फाइव। तो अगले वीडियो में हम देखेंगे पिन नंबर फाइव को क्यों कंट्रोल पिन बोला जाता है। ओके, अब इतनी सी बात अगर पता हो और हम लोग सॉल्व करेंगे वन न्यूमेरिकल, उससे आपके बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर होने वाले हैं। ये है 555 टाइमर, राइट। तो बने रहिएगा, नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा, आप अपने कमेंट्स दीजिए कि पिन नंबर फाइव को कंट्रोल पिन क्यों बोला जाता है, आप भी समझाइए, और साथ में आप डिराइव कीजिए व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर टीपी, आपको बताना है व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर टीपी इन टर्म्स ऑफ व्हाट, आरसी, इन टर्म्स ऑफ आरसी। कंसेप्ट मैं हिंट कर देता हूं, कैपेसिटर को जो टाइम लगेगा चार्ज होने में फ्रॉम जीरो टू व्हाट, 2VCC/3, दैट इज कॉल्ड टीपी। व्हाट इज द टीपी, टाइम टेकन बाय द कैपेसिटर टू चार्ज फ्रॉम जीरो टू 2VCC/3। तो इसका जवाब दीजिए, और बिल्कुल आपका मैं नाम लूंगा, अपनी क्लास में बताएंगे कि किन किन लोगों ने जवाब दिया इसका, और ये उसके बाद हम देखेंगे कि इस टाइमिंग को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कंट्रोल पिन नंबर फाइव, राइट। उसी से हमें पता चलेगा क्या नाम है, और साथ में देखेंगे पिन डायग्राम ऑफ मोनो स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। इंतजार कीजिए नेक्स्ट वीडियो का, ये आए मंडे है, अभी ये आ जाएगा आपका ट्यूसडे पे। ओके देन, आप वीडियो कैसा लगा लाइक जरूर कीजिएगा, अपने कमेंट जरूर दीजिए, हम नंबर ऑफ क्वेश्चंस लेकर आ रहे हैं, नंबर ऑफ टॉपिक्स लेकर आएंगे, राइट। तो हिट लाइक जरूर कीजिए, हिट कीजिए बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशन, चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल हमारा सब्सक्राइब कीजिए, और यूज कीजिए माई कोड राठी लाइव एंड गेट द 10% डिस्काउंट। देन थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड डे एंड गुड लक।